हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारे भारत की ज़्यादातर सभी लोगों की परिचित सुगंधित बेला, जिसे कॉमनली जुई की बेला कहते हैं, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपने फूलों की स्वर्गीय खुशबू से हमारे तन मन को और वातावरण को महका देने वाली यह जुई की बेला है, जो सदियों से हमारे आंगन में, हमारे गार्डन के फेंसिंग वॉल पर या फिर हमारे बगीचे के किसी भी कोने में सहारे के साथ ऊपर तक चढ़ने वाली सबसे कॉमन और चिरस्थायी बेला है। मूल रूप से यह जस्मिन की प्रजाति हमारे भारत के साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है, जो प्राकृतिक वातावरण में यहाँ के द्वितीयक वनों में क्लाइंबर्स के रूप में दूसरे पेड़ों पर बढ़ती पाई जाती है। इस बेला का वैज्ञानिक नाम जस्मिन ऑरेकुलेटम है और ओलियेसी परिवार में इन जस्मिन्स की दुनिया भर में तकरीबन 200 स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 40 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। उसमें से यह एक जुई की बेला है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार जुई, जुही, इंडियन जस्मिन, निडल फ्लावर जस्मिन, अंबुर मल्लिगे, मुग्धी, नित्यामल्ली, संस्कृत में युथिका, विराज जी, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम के दौरान हवा में फैली हुई इस जुई के फूलों की अत्यधिक सुगंध इस बेला की तरफ हमारा ध्यान खींचती है और यह जुई की बेला है बेऐसी, जो ज़्यादातर सभी प्रकार की चमेली के फूलों में अपनी नाजुक सुंदरता और अत्यधिक सुगंध के लिए बेहद मशहूर है। यह जुई के फूल इस तरह आकार में दूसरे जस्मिन की प्रजातियों के फूलों की तुलना में छोटे होते हैं, जो शुभ्र सफ़ेद और अत्यधिक सुगंधित होते हैं। इन जुई के फूलों में 6 से 8 नाजुक पंखुड़ियाँ होती हैं और शुभ्र सफ़ेद पंखुड़ियों के बीच सेंटर में थोड़ी सी हल्की येलो शेड होती है। पंखुड़ियों समेत फूलों की ऊपरी संरचना या फिर आकार हमारे पूजा घर के समय जैसा होता है और आकार के अनुरूप पूजा विधि में बड़ी पवित्रता के साथ इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इन फूलों का डायमीटर तकरीबन 1/2 इंच तक होता है और नाजुक डंठल की लंबाई भी तकरीबन उतनी ही होती है। बहुसंख्यक छोटी छोटी कलियों के साथ यह फूल इस बेला पर लगातार गुच्छों में खिलते रहते हैं। शाम के वक्त ही इनकी कलियाँ खिलना शुरू कर देती हैं, इसलिए इसके फ्लावरिंग पीरियड के दौरान, जो श्रावण मास में अपनी चरम सीमा पर होता है, उस वक्त सुबह और शाम, ऐसे दोनों वक्त में इस जुई के सुगंधित फूलों को कुदरत ने पूजा विधि में भगवान के चरणों में चढ़ाने के साथ साथ महिलाओं के श्रृंगार में भी इस बेला के जरिए प्रोड्यूस किया है। सूरज ढलने से पहले शाम के वक्त ही इसकी कलियाँ खुलने लगती है और हवा में अपनी मंत्रमुग्ध करवा देने वाली खुशबू फैला देती है। दोस्तों, यह जुई की बेला पौराणिक काल से हमारे आंगन में खिलती आई है, इसलिए बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इसकी स्थायी और परिचित खुशबू से अनजान हो। व्यावसायिक तौर पर हमारे भारत में इस जुई की प्रजाति की खेती सभी जगह की जाती है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस जुई की खेती की जाती है। इस जुई के फूल बहुत ही नाजुक होने के साथ आकार और वजन में भी हल्के होते हैं। व्यापारियों के अनुभव के अनुसार फूल इकट्ठा करने पर 1 किलोग्राम में तकरीबन 25 से 26 हज़ार फूलों की संख्या पाई जाती है। व्यापारी तौर पर इस जुई के फूलों की खेती करने का प्रमुख कारण इससे निकलने वाला तेल है, जो इन फूलों में लगभग 20 से 25% होता है, जिससे दुनिया भर में इत्र, धूप और अन्य सुगंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। व्यापारी तौर पर शाम और सुबह के वक्त अर्ध रूप से खिले हुए और सुबह के वक्त पूर्ण रूप से खिले हुए फ्रेश फूलों को तोड़ा जाता है। कलियां या फिर थोड़े से मुरझाए हुए फूल नहीं तोड़े जाते, क्योंकि उससे निकलने वाली तेल की गुणवत्ता और मात्रा काफ़ी कम होती है। इन फूलों को इनके खेतों में से रोज़ाना तोड़ने वाले अनुभवी लेबर्स द्वारा 1 घंटे में तकरीबन 300 से 500 ग्राम फूल तोड़े जाते हैं, लेकिन हमारे गार्डन में लगाई गई बेला पर लगे हुए फूल तोड़ने के लिए हमें कितना वक्त लगता है, इसका अनुभव हम सब ने ज़रूर किया है। जुई की यह फूल बहुत नाजुक होने के साथ बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक तरीके से एक एक फूल को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी और ज़ोर ज़बरदस्ती से सिर्फ इनकी पंखुड़ियाँ ही हाथ में आती है। इनफैक्ट पुरुषों की तुलना में महिलाएँ इन फूलों को तेज़ी से तोड़ने में काफ़ी माहिर होती है। वैसे देखा जाए तो यह जुई के फूल अपनी खुशबू सभी को समान रूप से बांटते हैं, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में इन फूलों के प्रति स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा महिलाओं का आकर्षण होता है। साथ में यह जुई के फूल हमारे भारत में सभी देवी देवताओं के पूजा विधि में बड़ी पवित्रता के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं।
वैसे देखा जाए तो गर्म ट्रॉपिकल जोन में यह बेला लगभग साल भर फ्लावरिंग कर सकती है, लेकिन जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं वहाँ गर्मियों के अंत में पूर्व मौसमी बारिश के बाद या फिर प्री मानसून रेन के बाद यह जुई की बेला धीरे धीरे खिलना शुरू कर देती है और सर्दियों की शुरुआत तक इसका फ्लावरिंग पीरियड बना रहता है। दोस्तों, इस जुई की पत्तियां इस तरह अंडाकार आकार में गहरे हरे रंग की होती है। स्टेम के दोनों तरफ यह अल्टरनेट पोजीशन में विकसित होती है। इनमें लगभग 3 पत्तियों का समूह होता है। मुख्य पत्ती सबसे बड़ी होती है और बहुत ही छोटी छोटी 2 पत्तियां नीचे के डंठल के समीप इस तरह होती है। फ्लावरिंग पीरियड ना होने पर अपनी हरी पत्तियों से यह बेला हमेशा एक परमानेंट हरियाली मेंटेन करती है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में पोषण स्थिति अनुसार यह बेला ऊंचाई में लगभग 30 से 40 फीट तक अपना विकास करती पाई जाती है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 15 से 20 फीट तक यह ऊंचाई में बढ़ती पाई जाती है। एक परिपक्व आकार में या फिर एक मैच्योर स्टेज में यह बेला इस तरह अपनी एक वुडी स्टेम या फिर लकड़ी जैसा तना विकसित करती है और यह बेला एक आदर्श न्यूट्रिशन स्थिति अनुसार आपके आंगन में लगभग 25 से 30 साल तक या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय तक एक मनभावन स्वर्गीय खुशबू से भरे फूलों को प्रोड्यूस करती रहती है। मेरे घर के प्रवेश द्वार के पास लगाई गई इस बेला को तकरीबन 19 साल बीत चुके हैं और अभी भी यह बेला काफ़ी हेल्दी है और बरसात के हर मौसम में बड़े पैमाने पर सुगंधित फूलों को प्रोड्यूस करती रहती है। दोस्तों, इस जुई के बेला की सनलाइट नेट के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर यह पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाली बेला है। साथ में प्राकृतिक वातावरण जैसी स्थिति में बड़े पेड़ों से छनी हुई 70 से 80% सूरज की रोशनी में भी यह बेला काफ़ी अच्छी तरह से फलती फूलती है, लेकिन 5 से 6 घंटे की सूरज की खुली धूप इस बेला को मिलनी ही चाहिए। इसलिए इस बेला को हमारे प्लांट गैलरी में हमें ऐसे डायरेक्शन में लगाना चाहिए जहाँ साल भर सूरज की रोशनी बनी रहती हो, और इस तरह का डायरेक्शन चूज करने के लिए हमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के बालकनीज का फेंसिंग वॉल का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन चूज करना है और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इस बेला के लिए हमें चूज करना है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में इस डायरेक्शन में सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। इसलिए पॉट्स या कंटेनरों के साथ हमारे आउटडोर गार्डन में भी ज़्यादा शेडी एरियाज में इस बेला को हमें ग्रो नहीं करना है। दोस्तों, इस जुई की बेला की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। हमारे प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें ऋतु अनुसार इनकी वाटरिंग करनी होती है, जो सर्दी और बारिश के मौसम में नॉर्मल कैटेगरी में आती है, और आउटडोर गार्डन में लगाई गई बेला एक बार सेट होने के बाद या फिर मैच्योर होने के बाद पानी और ज़्यादातर न्यूट्रिशन के मामले में भी स्वयं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक न्यूट्रिशन आपूर्ति के लिए फैल जाती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ सालों साल हमें बेहद सुगंधित फूल प्रदान करती रहती है। बस पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी में शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में हमें किसी भी 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद को ऐड करना है, जो लंबी देर तक पौधों की खाद्य आपूर्ति अनुसार जड़ों के पास स्लो रिलीज होता रहता है, और इसकी मेन फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस जुई की बेला के जड़ों के पास फर्टिलाइजर का एनपीके बेस मेंटेन करने के साथ फॉस्फोरस बेस फर्टिलाइजर इस बेला को देनी है, जिससे पॉट प्लांट्स या कंटेनरों के पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। साथ में आउटडोर गार्डन में थोड़ी सी उपजाऊ और कम उपजाऊ जमीन में भी यह बेला बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ प्राकृतिक रूप में अच्छी तरह से फलती फूलती रहती है। दोस्तों, कीट के बारे में देखा जाए तो यह बेला काफ़ी हार्डी है, इस पर कोई हार्मफुल डिजीज नहीं दिखाई देती, लेकिन कभी कभार काली फफूंदी जैसी डिजीज इस पौधे पर आ जाती है। उस वक्त बोर्डो मिश्रण या फिर बाविस्टिन जैसे फफूंदी नाशक दवा का इस बेला की पत्तियों पर हम छिड़काव कर सकते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में एक रूटीन के तहत नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गौमूत्र का स्प्रे इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं। कभी कभार कुछ वायरल या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से इनकी पत्तियों पर इस तरह छोटे छोटे बबल्स जैसी डिजीज आ जाती है, जिसकी वजह से यह बेला काफ़ी कम मात्रा में फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, और इस रोग का निर्मूलन करने के लिए ज़्यादातर फ्लावरिंग पीरियड खत्म होने के बाद हमें इस बेला की हार्ड प्रूनिंग या कटिंग करनी है, और बेला के क्षतिग्रस्त सभी भागों को हमें काटकर दूर फेंक देना है, और कटिंग के बाद नए शूट्स आने पर उस पर पेस्टिसाइड का एक साइकिल चलाना है। कटिंग के माध्यम से इस बेला को हम मनचाहे आकार में मर्यादित रखने के साथ
आने वाले नए शूट्स द्वारा अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इस जुई की बेला में कोई विषाक्त तत्व सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस के अंतर्गत इस बेला के बॉडी पार्ट्स में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यह जुई की बेला इसके सुगंधित फूलों के साथ काफ़ी औषधीय महत्व भी रखती है। इसके पत्तियों के अर्क का उपयोग मुंह के छालों को ठीक करने में किया जाता है और इस बेला की जड़ों को पीसकर उससे बनाया गया लेप सिर दर्द जैसे विकारों में काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन किसी भी पौधे को औषधीय उपयोग में लाने से पहले हमें सही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इस जुई की बेला का प्रोपेगेशन इसके बीजों से, स्टेम कटिंग से और लेयरिंग मेथड से हम कर सकते हैं। नए कटिंग्स पर लगभग 4 हफ्ते में नए रूट्स और नए शूट्स दिखाई देने लगते हैं। अभी मानसून के बारिश का सभी जगह अच्छा वातावरण है और सभी जगह लोकल नर्सरीज में इस बेला के बेबी प्लांट्स सेलिंग के लिए आते हैं, जिसकी कीमत भी काफ़ी कम, महज 30 से 40 रुपए तक होती है। और इनके बेबी प्लांट्स पर इसके फ्लावर्स होने के कारण इस पौधे को पहचानना काफ़ी ईजी हो जाता है। दोस्तों, इन जुई के फूलों की नाजुक सुंदरता और अत्यधिक सुगंध के कारण इंडियन पोस्टल विभाग ने इस जुई के फूलों के चित्रों का एक डाक टिकट भी जारी किया है, जिससे हम इन फूलों की लोकप्रियता को समझ सकते हैं। साथ में है जस्मीन या चमेली के फूल एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीकात्मक फूल है, जो अलग अलग संस्कृतियों में प्रतीकात्मक रूप से अलग अलग सुखद भावनाओं को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस जुई के अद्भुत मनभावन खुशबू वाले फूलों ने हमारे भारत में सदियों से लगभग सभी शादीशुदा जोड़ों में एक मीठे और परमानेंट एंडलेस बॉन्डिंग क्रिएट की है, जो हमेशा एक सुखद भावना और अनुभूति की याद दिलाते हैं। दोस्तों, हम मानव निर्मित आर्टिफिशियल तौर पर चाहे कितने भी परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स, धूप्स वगैरह बना लेंगे, लेकिन कुदरत ने बनाए हुए इस जुई के जैसे कई फूलों के कुदरती प्राकृतिक सुगंध के सामने हमारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हमेशा फीके और बहुत ही सीमित रहेंगे, जो हमारे मन को और जहन को इन फूलों की प्राकृतिक खुशबू और अनुभूति की तरह कभी स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।